चले वहां चले। बुजुर्ग मुर्दा बोलता है, मुर्दा सुनता है, मुर्दा बैठता भी है, वो हंसता भी है, चीखता चिल्लाता भी है। चले अंदर चले, आ गए अंदर। आहा, दुनिया में जमीन हथियाने के लिए, इसकी जमीन मार दिया, उसकी मार दिया, उसका मार दिया, उसका ले रहा, उसकी टोपी उसके सर कर रहा है। दो गज ही मिलने वाली है भाई, वो भी पक्की है जगह की नहीं पक्की है क्या मालूम। गए उसके अंदर, क्या क्या दुनिया से साहिब अमवाल गए, दौलत न गई साथ न अतफाल गए, पहुंचा लहत तक तो आए सब लोग, हमरा अगर गए तो आमाल गए। गए आप अंदर, मुनकर नकीर आ गए, दो आ जाएंगे मुनकर नकीर, नीलगू आंखों वाले। आहा, देख लें आंखें ऐसी है गोया के देखचा है, पुलाव और बिरयानी जो बनती है ना देखचे में, देखचा है उनकी आंखें। एक मर्तबा देख ले तो सामने वाला चुधिया जाए, लेकिन मोमिन नहीं घबराएगा। अरे उनके दांत ऐसे हैं जैसा गाय की सींग, आवाज में गरज ऐसी है जैसे बदली की गरज। अपने होठों से और अपने बालों से और नाखूनों से जमीन को फाड़ते हुए आते हैं, कौन बचाएगा। आ गए, आ गए, उनका आना पक्का है, आ गए, तैयारी कर लीजिए वहां के लिए, आ गए। ईमान वाला है घबराएगा नहीं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा पूछ लिया, सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 3115, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जी कब्र के अंदर आजमाइश होगी। तो कहा अल्लाह के रसूल वहां हम लोगों की हालत कैसी होगी। दुनिया में जिस तरह जिंदा किए जा रहे हो कब्र में भी जिंदा किए जाओगे, सेम हालत होगी। ठीक है, फब फी हिल हजर, तब तो मैं मुनकर नकीर के मुंह में पत्थर डाल दूंगा। यानी अगर दुनिया में जिस तरह जिंदा हूं और कब्र में भी जिंदा हो जाऊंगा तो मैं तो एकदम ईमान में इतना पक्का हूं कि मुनकर नकीर को देख लूंगा, एकदम जवाब दे दूंगा, मुंह में एकदम पत्थर डाल दूंगा। ईमान इस टाइप का होना चाहिए, चाहे जो देख लेंगे। तो अल्लाह ईमान वालों को वहां बचाता। सुनन अबी दाऊद किताब सुन्ना किताब नंबर 39 बाब नंबर 23 बाबुल मसलत फिल कब्र अज़ाबिल कब्र हदीस नंबर 4753। आ गए, आ गए। बंदा अगर ईमान वाला है, मर रब, तुम्हारा रब कौन है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब देखिए अरबी जबान की बड़ी अहमियत है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी निकाले चर्बी, फारसी निकाले तेल, उर्दू है कुछ कुछ और हिंदी है खेल। और अरबी के लिए कितनी मेहनत हो रही है हम और आप जान ही रहे हैं। और इससे यह भी मसला निकला, सवाल छोटा छोटा पूछना चाहिए, ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, छोटा सवाल छोटा जवाब। मर रब, तुम्हारा रब कौन है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तब इसको रट लीजिए, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। रटने से काम नहीं चलेगा, जो अल्लाह ताला के हिसाब से चलेगा उसी के जबान पर आएगा। तेरा दीन क्या है, मा दीनुक, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अरे भाई जरा शनाख्त होनी चाहिए ना, लगना चाहिए चेहरा है मुसलमानों का चेहरा। ये क्या, कभी वक्त आया तो हाथ साफ कर लेता है, ज़कात निकाल देता है। बिल्कुल बचना चाहिए, शनाख्त होनी चाहिए, दीन मेरा दीन इस्लाम है, अल्लाह का शुक्र है। क्या करे, मा हाज़ा रजुल्लज़ी बुइसा फीकुम, उनके बारे में जो भेजे गए थे, हो रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल। तीन सवालों के बाद एक सवाल और होगा, वमा युद्रीका, कैसे आपको पता चला। करा तो किताब अल्लाह फ़ामनतु बिही वसद्दक़्तु, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं ईमान लाया, मैंने तस्दीक की, इसलिए मैं सवालों के जवाब दे दिया।